हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम जो टॉपिक बच्चों लेके आए हैं वो है फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो लास्ट कुछ वीडियोज में हमने डिस्कस किया था डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड देन डिफ्रेक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स। और अब हम बात करते हैं एन स्लिट की कि बहुत सारी स्लिट्स हैं, दैट इज एन। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो स्टडी करेंगे और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और प्राइमरी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा ये सारी जो है वो कंडीशन हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, डैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ स्क्वेयर। सो जो रिजल्टेंट का स्क्वेयर जो होगा इस स्क्रीन में वो क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्लिट्स हैं, डैट इज एस वन, यहाँ से दैट सोर्स और यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये बे फ्रंट है बच्चों, प्लेन बे फ्रंट है ये स्लिट एस वन एस टू, दिस इज एस थ्री एस फोर एस एन माइनस वन एंड एस एन स्लिट। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम बात करते हैं, ये हमारे पास एन स्लिट हैं जिसे हम बाद में कैपिटल एन की फॉर्म में भी इसको लिखेंगे। तो ये जो होगा वो डेट इज एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एंड एस फाइव एंड एस फाइव। तो ये केस है सिंगल स्लिट का, एस वन एस टू भी सिंगल स्लिट है। तो हमने कैलकुलेट किया था सिंगल स्लिट के थ्रू जो है वो रिजल्टेड हमने कैलकुलेट किया था और दोनों के बीच का जो स्लिट की विड्थ है वो ई प्लस बी है, बी जो है वो ओपेक का और ई जो है वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। तो टोटल कॉन्जिक्यूटिव स्लिट की विड्थ है ई प्लस बी ई प्लस बी ई प्लस बी ई प्लस बी ई प्लस बी। ठीक है, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव। अब बच्चों हमने डिस्कस किया था सिंगल स्लिट में कि एवरी इंडिविजुअल जो सिंगल स्लिट है तो एवरी पॉइंट एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स और किसके अकॉर्डिंग, हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और ये सेकेंडरी वेवलेट जो इंटरफेयर करके रिजल्टेड इज ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा और अल्फा जो डाटा पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये हमने कैलकुलेट किया था बच्चों। ई क्या थी, ये ट्रांसपेरेंट की सिंगल स्लिट का विड्थ E, ये हमने कैलकुलेट कर रखा था सिंगल स्लिट के केस में। अब हम यहाँ पे ये रिजल्टेंट की हम जब हम बात करें तो, और ये थीटा क्या है, डिफ्रेक्शन है। तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न P1 पे हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे दिस इज बेसिकली डिफ्रेक्शन, सारा जो वो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट और मतलब बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम दीज स्लिट्स इज कॉल्ड द डिफ्रेक्शन। तो डिफ्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे आके मीट हो रही है। ठीक है, तो अब हमें तो इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा बच्चों फाइनली, ये है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ये है ड्यू टू इंटरफेरेंस और ये टोटल मॉड्यूलेटेड फॉर्म हमारी इस फॉर्म में हमें उस स्क्रीन में इंटेंसिटी मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि इंटरफेरेंस पैटर्न को ये जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो गवर्न करके इस तरह से हमारे एक पैटर्न हमें मिलेगा। ठीक है, ये है इंटेंसिटी एंड एंगल के बीच का जो डिफ्रेक्शन एंगल है उसके बीच का ग्राफ। तो हमारा एम जो है वो बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना। तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है क्या, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स of the same width and separated by equal opaque spaces is known as the diffraction grating। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो लेजर लाइट की हम क्या वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट होगी और ग्लास प्लेट में हम थिन फिल्म की कोटिंग करते हैं और डायमंड कटर से इक्वली स्पेस्ड हम जो है वो डायमंड कटर से उसमें एक लाइन खींच देते हैं, जो लाइन खींचेगी वो ट्रांसपेरेंट होगी और जो उसके बीच का होगा वो ओपेक होगा। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में ओपेक पोर्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से एक स्लिट जो है वो हमारी बन जाएगी, जो कि स्लिट इस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सोर्स गया, बेफ्रंट है, प्लेन बेफ्रंट है, इंसिडेंट हुआ तो डिफ्रैक्शन हुई और डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, स्लिट की विड्थ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द
लाइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें एक पैटर्न हमें मिलेगा। तो अब हमारा एम है रिजल्टेंट कैलकुलेट करना और इसमें जो मैक्सिमा एंड मिनिमा की हमें यहाँ पे कंडीशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैक्सिमा भी है मींस कि मिनिमा भी है और यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा भी है। देखो यहाँ पे ये भी मैक्सिमा है और ये प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये सेकेंडरी मैक्सिमा एंड देन मिनिमा। तो सारी जो वो कंडीशन हमें कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिजल्टेंट की, तो वो कैसे करेंगे। सपोज करो इन दोनों के बीच की स्लिट S1 एंड S2 के बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज वो कितना है बच्चों, S2m। S2m कितना है, S1m सॉरी E प्लस B साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये S2m जो होगा पाथ डिफरेंस E प्लस B साइन थीटा। और S2 और S3 के बीच में भी हमारे पास E प्लस B साइन थीटा ही पाथ डिफरेंस होगा। इसी तरह से S3 S4 के बीच में, S5 S6 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है कॉमन पाथ डिफरेंस E प्लस B साइन थीटा है दो कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच का। और फेस डिफरेंस कितना है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू E प्लस बी साइन थीटा 2π/λ। ये है फेज डिफरेंस जिसे हम 2β लिख लेंगे। ठीक है, तो 2π/λ e प्लस बी साइन थीटा और ये हमारे पास इज इक्वल टू 2β हम यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो बीटा जो है वो हमारे पास यहां पे 2π के केस में ये आ जाएगा बीटा। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे 2π/λ लिखा। अब हम देखेंगे उसमें, अब हम बात करते हैं कि अब यहां पे देखिए पहले वाली स्लिट से रिजल्टेंट आर सेम इंटेंसिटी का, दूसरी वाली स्लिट से रिजल्टेंट आर, तीसरी वाले से आर 1, 2, 3, 4 अप टू एन। तो एन रिजल्टेंट ऑफ इक्वल पाथ डिफरेंस डेल्टा तो किस फॉर्म में होंगे बच्चे, ये देखिए पहला फर्स्ट रिजल्टेंट ये है डेल्टा, इसके बाद ये है डेल्टा, ये सेकंड वाली स्लिट से रिजल्टेड, ये थर्ड वाली से, इसी तरह से ये फोर्थ वाली से डेल्टा, डेल्टा सेम है। तो यहां पे एन हार्मोनिक वाइब्रेशन आप बोलिए तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा डेट इज ये थीटा के फॉर्म में आर डैश, ये इसको 2β के फॉर्म में भी हम 2β तो है ही, ये थीटा एंगल है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये अकॉर्डिंग टू, ये हमने पिछले सिंगल स्लिट में ही पढ़ा था कि जब ये पॉलीगन की फॉर्म है इसका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डेरिवेशन जो है वो आपको डाल देंगे बच्चों, जो नोट्स हमारे होंगे उसमें हम इसको आपको ड्राइव करके बता देंगे। साइन एन डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई, तो ये n रिजल्टेंट, a क्या है हर इसका एक एम्पलीट्यूड कॉमन एम्पलीट्यूड a है बच्चों, तो यहां पे भी n जो है वो हमने n कर लिया और डेल्टा जो है वो 2β कर दिया। ठीक है, a साइन अल्फा अपॉन अल्फा, हर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड a साइन अल्फा अपॉन अल्फा है, तो r इज इक्वल टू a साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा, हमने डेल्टा को 2β यहां पे मान लिया। तो टोटल जो हमारे पास रिजल्टेंट आया दैट इज आर डैश इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज टू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। तो ये हमारा काम था रिजल्टेंट कैलकुलेट करना। तो अब हमने पास रिजल्टेंट आ गया तो इंटेंसिटी हमें पता है बच्चों, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है दैट इज द स्क्वेयर ऑफ रिजल्टेंट दैट इज ए साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन बीटा। और बीटा हमारे पास क्या था, ई प्लस बी साइन थीटा बाई लैम, 2β है 2π/λ, ये हमारे पास बीटा हमने अभी कैलकुलेट बच्चों कर लिया।
तो ये हमारे पास, तो बीटा हमारे पास आया, बीटा को ध्यान रखना है पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी आगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो है वो कैलकुलेट करें। तो इंटेंसिटी हमें यहां पे मिल गई स्क्रीन पे, इस फॉर्म में हमें इंटेंसिटी जो है वो मिल गई बच्चों, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रल जो मैक्सिमा जो है, दैट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, फिर ये मिनिमा कैलकुलेट करेंगे, फिर ये मैक्सिमा की कंडीशन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बच्चों, ये वाला पोर्शन है इंडिविजुअल स्लिट का ड्यू टू डिफ्रैक्शन, और एन स्लिट की वजह से क्या है, इंटरफेरेंस भी हो रहा है। सो इंटरफेरेंस पैटर्न इज गवर्न्ड बाय द, कौन कर रहा है गवर्न, दैट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पे बात करते हैं मैक्सिमा की, फर्स्ट केस इज मैक्सिमा, जिसे हम मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन एंड पोजीशन, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो पहले हम ये जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा यहां से देखिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कितनी होगी, यहां से जरा ध्यान से देखिए। तो इंटेंसिटी, तो ये होगा मैक्सिमम, कब होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा पोजिशन ऑफ मैक्सिमा। तो यहां पर बच्चों देखो, साइन एन बीटा रिजल्टेंट हमारा है आर डैश, कितना है साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, और ये एम्पलीट्यूड भी हमें यहां पे दे रखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह फॉर्म में, इसमें आर डैश इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब यहां पे मैक्सिमम कब होगी, जब साइन बीटा जीरो होगा, और वो कब होगा, जब बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। पर क्योंकि बीटा यदि प्लस माइनस एन पाई होगा, तो ये बच्चों साइन एन बाई एन बीटा अपॉन साइन बीटा कितना होगा, जीरो बाई जीरो, दैट इज अनडिटर्मिनेट। पाई पे जीरो पे ये भी जीरो होगा, और जीरो पे ये भी जीरो होगा, पाई पे ये भी जीरो होगा, पाई तो जीरो बाई जीरो ऑर्डर का आ गया। तो मैक्सिमा की पोजिशन के लिए हम क्या हो गए, एल हॉस्पिटल रूल यहां पर अप्लाई करेंगे। तो लिमिट इज बीटा इज प्लस माइनस एन पाई डी बाई डी बीटा साइन एन बीटा अपॉन डी बीटा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा एन कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो यहां पे लिमिट बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, तो ये वन बाई वन वन हो जाएगा, कॉस जीरो या वन, पाई कॉस पाई क्या होगा, दैट इज वन होगा बच्चों। तो वन अपॉन वन, तो टोटल आ जाएगा एन, दैट इज प्लस माइनस एन, ठीक है। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी प्लस माइनस एन, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, एन स्क्वेयर, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा, ठीक है। अब यहां से हम पोजिशन कैलकुलेट कर ले, इंटेंसिटी तो हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, अब बात करते हैं पोजिशन की। तो पोजिशन हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बीटा है, तो बीटा कितना है बच्चों, पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो यहां से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से एन कितना होगा, एन इज जीरो वन टू थ्री फोर जीरो, तो एन इज इक्वल टू जीरो मतलब That is give the पोजिशन ऑफ
पोजीशन ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। और n इज इक्वल टू वन इज गिव द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये देखिए दैट इज जीरो ऑर्डर मैक्सिमा एंड द फर्स्ट ऑर्डर एंड द n इज इक्वल टू टू इज सेकेंड ऑर्डर अप टू n। इफ देयर विल बी द n स्लिट देन देयर इज n ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। तो n ऑर्डर मैक्सिमा हो गए दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n ऑर्डर। अब n ऑर्डर के मैक्सिमा हो गए और उनकी इंटेंसिटी हमने n स्क्वायर कैलकुलेट कर ली, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ मिनिमा, नाउ द कंडीशन ऑफ मिनिमा। अब हम बात करते हैं मिनिमा की कंडीशन। सेकेंड इज कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। अब हम बात करेंगे ये मिनिमा बच्चों, यहां पे देखिए ये मिनिमा की कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी। और यदि हमें देखिए ऑर्डर एन है तो देयर विल बी एन माइनस वन मिनिमा। इफ एन इज प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोलते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो एन यदि प्रिंसिपल मैक्सिमा है तो एन माइनस वन जो है वो मिनिमा होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अब मिनिमा की कंडीशन यहां पे क्या, जरा ध्यान से देखिए, मिनिमा कब होगा जब साइन एन बीटा विल बी जीरो, इंटेंसिटी जब रिजल्टेंट में साइन एन बीटा जब जीरो होगा तो ये मिनिमा हो जाएगा। तो साइन एन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो भी नहीं होगा और m इज 1 2 3 4 अप टू n माइनस वन, m इज इक्वल टू जीरो और m इज इक्वल टू n पे, ये कौन सा होगा, जीरो पे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा और n पे जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो होंगे बच्चों, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली n n, दैट इज 0 n 2 n 3 n 4 n, these are the condition of these principal maxima. It zero order mein m 0 n 2 n 3 n 4 n 5 n up to n n, iske alawa jo bhi m ki value hogi wo minima ki condition jo hai wo satisfy karega bachcho. To minima ki condition sin n beta, to sin n beta is equal to pi, to ye bachcho sorry ye n beta is equal to plus minus n pi hoga yahan pe, theek hai. To n beta to ye kab hoga, ये जो कंडीशन है m, m की वैल्यू 1 2 3 4 n माइनस 1 होगी एक्सेप्ट 0 से लेके n n n, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे अब n बीटा, n बीटा कितना है पाई e प्लस b sin थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल प्लस माइनस m पाई, सो n पाई, पाई से पाई कैंसिल, that is e plus b sin theta is equal to plus minus m lambda, ye hai position of the minima. So there will be the two n minus 1 minima in between n maxima, theek hai bachcho, ye dhyan rakhna hai aapko. To ye n minus 1 minima इन बिटवीन एन मैक्सिमा। अब आप ध्यान से देखिए यहां पे और भी मैक्सिमा है, ये देखो दीज आर द सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन एज वेल एज कंडीशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन, तो यदि हमारे पास n में n मैक्सिमा पे प्राइमरी मैक्सिमा पे n माइनस वन मिनिमा होंगे, तो n वन माइनस मिनिमा में n माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे,
ठीक है बच्चों, एन माइनस वन मिनिमा के बीच में एन माइनस टू जो होंगे वो सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। तो अब हम बात करते हैं यहां से कंडीशन पोजिशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा में, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी। तो इसके लिए मैक्सिमा के लिए हम कैलकुलस का यूज करेंगे, डी आई अपॉन डी बीटा। तो डी आई अपॉन डी बीटा शुड बी जीरो, तो हमें मैक्सिमा की कंडीशन मिलती है बच्चों। तो डी अपॉन डी बीटा ए स्क्वेयर, यहां पे बच्चों ए स्क्वेयर ध्यान रखना, ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना है, ए स्क्वेयर साइन अल्फा स्क्वेयर अपॉन अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा, साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा। तो यहां से ये तो बच्चों बाहर आ जाएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर। अब हम यहां पे डी अपॉन डी बीटा साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक है। तो अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए पहले तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर को एज इट इज आपने लिख लिया, इसके बाद टू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, ये तो आ गया। अब यहां से साइन स्क्वेयर बीटा, और यहां से देखिए एन कॉस एन बीटा साइन बीटा ए अपॉन बी के फॉर्म में है डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस बीटा साइन एन बीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर हो गया। अब साइन बीटा तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता, वो कंडीशन मिनिमा की हम बात कर रहे थे, ठीक है, साइन एन बीटा ये हो नहीं सकता जीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास इस पूरे इसमें जीरो क्या हो सकता है बच्चों, इसमें ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड भी जीरो नहीं होगा। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है दैट विल बी जीरो। औरों के लिए तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास जीरो क्या होगा, एन कॉस एन बीटा साइन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन एन बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कॉस एन बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, कॉस बीटा साइन एन बीटा। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, एन इसको इस तरफ ले आओ तो एन टेन, यहां पे एन जो है वो साइन बीटा, एन टेन बीटा इज इक्वल टू टेन एन बीटा। यहां देखिए साइन से इस तरफ लेके आओ तो साइन अपॉन एन बीटा, तो यहां पे हमारे पास टेन एन बीटा इज इक्वल टू एन टेन बीटा, ठीक है। इसको वन कर लो डिवाइड, क्यों कर रहे हो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से ध्यान से देखिए, हमारा एम है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा को कैलकुलेट करना। तो हमारे पास अब इस ट्राइंगल से, अब हम यहां पर एक ट्राइंगल ले लें बच्चों, एन बीटा टेन एन बीटा मतलब परपेंडिकुलर एन टेन बीटा अपॉन बेस वन, तो ये कितना है वन प्लस एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा, ठीक है। इससे हमने कैलकुलेट, अब हमारा काम है साइन स्क्वेयर एन बीटा निकालना, साइन एन बीटा कितना होगा, साइन एन बीटा पहले हम कैलकुलेट कर ले, ठीक है। साइन एन बीटा कितना होगा बच्चों, डेट इज एन टेन बीटा अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा, ये तो पूरे का पूरा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां से साइन स्क्वेयर एन बीटा कितना होगा, एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा अपॉन
वन प्लस एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा। अब जो इंटेंसिटी, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा, और ये हमारे पास आ गया एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू वन प्लस, हमने यहां पे स्क्वेयर किया था तो ये बच्चों हट जाएगा, जब आप स्क्वेयर करोगे तो ये चीज जो हट जाएगी, दैट इज वन प्लस एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा, ये आ गया ठीक है। अब हमारे पास क्या है बच्चों, टोटल जो इंटेंसिटी आएगी, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो एज ए कॉन्स्टेंट मान लो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा, इसको इंटेंसिटी आई नॉट लिख लो ठीक है, अपॉन वन प्लस, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वेयर बीटा प्लस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा टेन स्क्वेयर बीटा ठीक है। अब इसको हम सिंपल पे इंटेंसिटी इज एन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बीटा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा टेन, तो हम ये वाला प्रोपोर्शन बच्चों यहां पे ले रहे हैं, साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा, तो यहां से हमारे पास एन स्क्वेयर आ गया बच्चों, अब टेन स्क्वेयर बीटा से हम डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वेयर बीटा अपॉन टेन स्क्वेयर बीटा प्लस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा, तो यहां से हमारा आ गया एन स्क्वेयर और ये कॉस स्क्वेयर बीटा होगा, क्यों बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर बीटा, तो कॉस साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा ठीक है। तो इंटेंसिटी हमारे पास किस तरह से होगी बच्चों, यहां से देखिए, अब एन स्क्वेयर हो गया, इसको वन माइनस साइन स्क्वेयर बीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा, यहां से हम जो है साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा कितना आएगा, यहां से देखिए एन स्क्वेयर है तो यहां से वन प्लस एन स्क्वेयर माइनस वन साइन स्क्वेयर बीटा, ये आ गया। अब यहां से देखिए, ये इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमा की, जो मैक्स प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है, दिस इज आई, दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा ईपी की, क्या है, हमने एन स्क्वेयर कैलकुलेट किया था बच्चों ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आईपी अपॉन द सेकेंडरी मैक्सिमा, तो दोनों के, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम एन स्क्वेयर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की है और बाद में ये डिके हो रहे हैं बच्चे, मतलब इसका मतलब कि ये जो चीज है, ये जो सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी बहुत कम है, जैसे जैसे हम स्लिट जो वो बढ़ाते हैं, क्योंकि स्लिट्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि विजिबल रेंज में अप्रोक्सीमेटली टू द 15,000 के अराउंड जो है पर स्क्वायर इंच जो होती है बच्चों स्लिट्स होती है, तो यदि स्लिट्स ज्यादा होगी तो सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, तो आप कभी भी डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के थ्रू यदि आप लेजर इंसिडेंट कराते हो, कोई सोर्स इंसिडेंट कराते हो, तो आपको बच्चों ऐसे पॉइंट मिलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, स्क्रीन के आपको दिखे, आपको यहां पे सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि बहुत जैसे ही नंबर ऑफ स्लिट बढ़ती जाएगी तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम तो जीरो ऑर्डर वन ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन, तो ये आपको बच्चों पता चल गया होगा कि सेकेंडरी मैक्सिमम और प्राइमरी मैक्सिमम के बीच में इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम कितना हो गया एन स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर माइनस वन साइन स्क्वेयर बीटा ठीक है, और एन स्क्वेयर क्या है प्रिंसिपल मैक्सिमम और ये है सेकेंडरी अपॉन दिस में, सो इसी तरह से हम अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम जो इससे इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक बचा है वो है रिजॉल्विंग पावर यूजिंग ग्रेटिंग, सो इस ग्रेटिंग की वजह से हमें रिजॉल्विंग एंड द डिस्पर्सिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी मतलब डेफिनेशंस भी हैं आती भी हैं और
न्यूमेरिकल्स भी आता। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सब डिस्कस करेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एंड द डिस्पर्सिंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, मीन्स की ग्रेटिंग को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।